थोड़ी सी बात साइंस की करेंगे। वैसे साइंस के बारे में तो बहुत सारे आपको वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने इस पे मेहनत भी की, आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पीएचडी किए हुए हैं, उन्होंने बहुत साइंस पे रिसर्च भी किया। और जैसे ही नासा या कोई और जब हमें बता देते हैं साइंस के बारे में, तो झट से हमारा ध्यान उस तरफ आता है कि हमारे कुरान में ये बात अल्लाह ने पहले ही बता दी थी, जो आज हमें पता चल रही है। यहाँ पर मैंने एक आयत लिखी हुई है, सूरह अत्तारिक आयत नंबर 1 है, वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात के वक्त आने वाले की। अब यहाँ पर जब भी आप तर्जुमे देखेंगे तो उसमें यही आएगा कि रात का सितारा या रात को आने वाली, यानी सितारे की बात की जा रही है, मुराद चमकने वाला सितारा। अब रूट वर्ड में अगर जाए तारिक के, तारिक तौ से है, ता से नहीं, तारिक, इसका रूट वर्ड है तौर रॉक ऑफ। डिक्शनरी में इसका माना आता है, एक तो एक रात के वक्त आने वाला, दूसरा इसका माना आता है चमकने वाला सितारा, जो शाइनिंग स्टार होता है, एक आता है रात का सितारा और एक आता है खटखटाने वाला, नॉक करने वाला। दरवाज़ा खटखटाते हैं, क्या होता है, नॉक कर रहे हैं। तो अगर रूट वर्ड में हम जाएंगे तो उसमें हमें एक और चीज़ मिलती है, खटखटाने वाला। आज रिसेंटली यानी 1967 की बात है, यानी बहुत दूर की बात नहीं है, करीब की बात है। ये जोसलीन बेल करके एक साइंटिस्ट है, यानी साइंटिस्ट थी, जिन्होंने ये रिसर्च किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि एक सितारा है जिसकी आवाज़ खटखटाने वाली होती है, जैसे नॉकिंग होती है ना। आप जाके वेबसाइट वगैरह पे जाके देखें या नासा पे भी जाके देखें, पल्सर स्टार करके आता है। तो इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई पहले तो खटखटा रहा है, फिर वो हेलीकॉप्टर की आवाज़, या फिर वो एक्चुअल में आवाज़ ये है कि कंटिन्यूस अगर आप नॉक करेंगे तो कैसी आवाज़ आती है, वो एक्चुअल में आवाज़ है उसकी। कंटिन्यू नॉक करके देखें कैसी आवाज़ है, तो वो नॉकिंग आवाज़ कभी डिस्कवर की गई 1967 में, जोसलिन बेल ने ये डिस्कवर किया। लेकिन कुरान में इसका जिक्र कब किया गया, 8 जून 632 ईस्वी से पहले, यानी आप ने ये बात हमें पहले ही बता दी कि ये भी एक सितारा है। और मज़े की बात यह है कि ये चमकने वाला भी है, चमक है उसके अंदर, और वैसे भी सितारे तो रात में ही नज़र आते हैं, और खटखटाने वाला, आवाज़ खटखटाने वाली आवाज़ आती है, पल्सर स्टार जिसे कहते हैं। बहरहाल ये तारिक वर्ड, तारिक, ये भी एक मौजज़ा है, आज हमें पता चल रहा है लेकिन अल्लाह ने पहले ही बता दिया। जब साइंटिस्ट बता रहे थे तो जिन लोगों को अरबी पे महारत थी, जो सही में रूट वर्ड वगैरह जानते थे, उन्होंने जब सुना या देखा तो झट से वो पुकार उठे कि ये तो अल्लाह के कलाम के अंदर पहले से मौजूद है, और अल्लाह का कलाम ही है, ये हो सकता है किसी और का नहीं। तो कुरान अल्लाह का एक बड़ा मोजज़ा है। एक वर्ड तारिक, उसके मीनिंग, उसके अंदर जो चीज़ें, सब कुछ है आज उसी के अंदर। तो सुभान अल्लाह,